पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह साहब, नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय गुलाब जी कटारिया जी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल और सांसद अर्जुन जी और पूर्व सांसद रामनंदर जी, विधायक छोटू सिंह जी, पूर्व विधायक शान सिंह जी और अलवर जिलाध्यक्ष संजय शर्मा, पूर्व विधायक गुलाब सिंह जी और किशन सिंह जी, प्रधान श्रीमती लक्ष्मी कंवर जी, पूर्व जिला प्रमुख रेणुका जी भाटी और जिला अध्यक्ष हमारे स्वरूप सिंह जी, और अगर यहाँ कोई रह गया हो तो मैं माफी चाहती हूँ। ये मंच के ऊपर बैठे नेता और कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठे हुए पहले तो मेरी माता बहन है, आप सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग दिखाई देती हो संख्या में, और इसीलिए आज आप लोग सब यहाँ हो और आपके साथ साथ आप सब लोग यहाँ बैठे हो। सबसे पहले आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आज मेरा बहुत अच्छा दिन शुरुआत हुई है कन्नौज, फिर रामबेड़ा, फिर पोखरण की सब जनता और फिर आप लोग सब सबके साथ देवी देवता और आप सबके दर्शन करके आज तो बहुत अच्छा दिन निकला। और मुझे बड़ी खुशी है कि जैसलमेर के सुंदर शहर के अंदर आप लोगों के बीच में आने का ये पहले दिन ही मुझे मौका मिल गया, इतनी तो खुशी है। परंतु दुख भी इस बात का है कि चार साढ़े चार साल पहले आपको छोड़ के गए और मुझे लगा कि इतने सारे काम चालू कर दिए थे कि अगर वो काम भी अगली आने वाली सरकार उसको आगे ले जाती तो हो सकता है कि ये साढ़े चार पांच साल के अंदर बहुत सारे काम आपके क्षेत्र के अंदर हो जाते और उसकी वजह से यहाँ की जनता भी अच्छी तरह से खुश हो जाती। अब मैं देख रही थी क्योंकि मैंने याद है महाराज आप यहाँ बैठे हुए आपके आश्रम के बिल्कुल बाहर अपन ने बाल में योजना चालू की थी। उस बारहवें योजना के अंदर 688 करोड़ बहुत बड़ी स्कीम और वो 688 करोड़ 2 जनवरी 2007 सिटी और 691 गांव और जैसलमेर के साथ 113 गांव का काम अपन ने चालू किया था। इसमें आर्मी एयरफोर्स और बीएसएफ के लोगों को भी पानी मिलना था, परंतु मैं देख रही हूँ सबसे पता किया कि वहां तो आया ही नहीं और बारहवें जैसलमेर के गांव को पूरी तरह से प्यासे रह गए। शहर के अंदर तो फिर भी थोड़ा सा पानी आ जाता है और वो मैं देख रही थी कि ये इंदिरा गांधी नहर से आप लोगों के पास पानी आता है परंतु पूर्ण पर्याप्त नहीं है। सब लोग ये चिल्ला के कह रहे हैं कि जितना पानी आना चाहिए इस क्षेत्र के अंदर उतना पानी नहीं आ रहा है। शहर के अंदर अगर थोड़ा आगे जाता है तो जनता गाँव की तो पूरी तरह से वंचित है। मैं अभी पूरे कुकरोड से जहां से मैं आ रही हूँ जहां जहां जनता मिली है सब जनता ने सबसे पहले मेरे को पानी का आपकी आवाज मिला। सब लोगों ने मेरे को यही कहा कि आप पानी का पहले इंतजाम करिए। इन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने आपके द्वारा दी गई स्कीम से टंकियां बना ली और बस खाली नलके जोड़ने का और पाइप जोड़ने की बात थी और वो भी इस सरकार ने नहीं किया। वो स्कीम वैसे के वैसे खत्म हो गई। गिनी गिनी लोगों ने बोला कि हमने टंकियां बना दी और टंकी के अंदर आज दिन तक पानी नहीं भर पाई है सरकार। इस तरीके से कई जगह पर मुझे बहुत कुछ सुनने को आया। तो सबसे बड़ी बात और माता बहने सबसे बड़ी बात थी पानी। उसके बाद जो मेरे पास आया वो शहर के अंदर बिजली की अघोषित कटौती। आज कोई जनरेटर तो नहीं चल रहा है, चल रहा है क्या? मैं सोच रही थी मैंने कहा आज तो बड़ी दिवाली हो रही है और दूर से दिखाई दे रहा था शहर, तो मैंने सोचा कि मालूम नहीं ऐसा ही होता होगा, आपका टूरिस्ट शहर है शायद रोज रोज आपको ऐसी बिजली मिलती होगी। ऐसी मिलती है तो आज हम लोग एक त्योहार मना रहे हैं साथ में मिलकर कि इतनी जोरदार बिजली और वो भी बेचारा जरूरतों से हम लोगों को मिल जाए। तो मेरे पास एक खबर आई है कि अघोषित कटौती और माता देने जो मैंने लाइन आप लोगों को दी थी वो पहले इतिहास में राजस्थान में पहली बता घरेलू बिजली का इंतजाम आप लोगों के लिए हम लोगों ने किया। और मुझे याद है कि 2008 के अंदर जाते जाते आप लोगों को 18 से 20 घंटे बिजली देके मैं गई थी और मैं ये आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मिल जाना चाहिए थे 24 घंटे आपको, परंतु नहीं मिला। तो आने वाले समय में सरकार अपनी हो जाती है, हम लोग मिलकर आपको घरेलू बिजली 24 घंटे घर पे पहुंचाने का काम करेंगे।
मुश्किल काम नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा है तो सब काम हो सकते। मैं जगह जगह पर होकर आ रही हूँ, लोगों ने कहा कि जो पट्टे हम लोगों को मिलने चाहिए, इतने सालों से हम रह रहे वो पट्टे हमको नहीं मिले। लोग कह रहे हैं कि हमारे औरंग की जमीन लोगों ने कब्जा कर लिया है। उनको जयपुर से खबर आती है कि लाखों हजारों बीघा जमीन मालूम नहीं कौन कहां से आ जाता है उसको दे दी जाती। ये स्थिति आज जैसलमेर और बाड़मेर पूरे में उसके साथ साथ भीतरे के अंदर भी हो रही। जहां जहां मैंने देखा वहां वहां लोगों ने आके मेरे को ये बात कही। और अभी बड़ी खुशी की बात है, पेट्रोलियम का बहुत बड़ा रिफाइनरी यहाँ लगने जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है उसमें। परंतु मैं अब बुनियादी बात के ऊपर हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक जगह के ऊपर पहरे लगा के और सेक्शन 4 सेक्शन 6 करने के बाद फिर दूसरी जगह, और जब वो कर रहे थे तो वहां जमीन की खरीद फरोख्त हो रही थी, मंत्री खरीद फरोख्त कर रहे थे, ये भी आप लोगों को मालूम है। 300 एकड़, 300-400 बीघा ये सब चीज हो रहा था। पैसे बनाए गए, सस्ती जमीन खरीदी गई और फिर महंगी बेची गई। आप लोग अच्छे से जानते हैं, फिर वहां से उठाते हैं रिफाइनरी आप ले आए पचपदरा, और 6 महीने पहले पचपदरा और बानोपा के आसपास जमीन के करीब करो तोड़ी। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है किसी को मालूम नहीं है कि ये क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर। अरे देश का दामाद आया तो वहां आपके बीकानेर से लेके जैसलमेर बाड़मेर तक इतनी सारी जमीन खरीद के ले गए, और मुख्यमंत्री कहता है हमें तो कुछ मालूम नहीं, आया कोई किसी ने जमीन खरीदी? अरे देश तो अखबार में आ रहा है, या तो मुख्यमंत्री को समझ नहीं है, या वो देख नहीं रहा है, या वो कर नहीं रहा है, सब जानता। और ये जोरदार तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है राजस्थान के अंदर, जमीन के अंदर। और मेरा ये कहना है कि गरीब आदमी को तो एक बीघा जमीन नहीं, और बाहर के लोग आ आके पूरी जमीन खाते चले जा रहे हैं, ये कैसा न्याय है? वो लोग जो सालों साल वहां बसे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों को हमारी जमीन का पट्टा दिलवा दो, वो देने को तैयार नहीं। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि कहां तक और कब तक इस चीज को हम सहेंगे? मैंने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि हमने बार बार बात कही है परंतु कोई सुनने नहीं आता। कलेक्टर के पास जाओ, वो नहीं सुने। ऊपर बात खबर कहने की कोशिश करो, वो नहीं सुने। हम तो थक गए, हम धरना करते हैं, फसाद करते हैं, कोई नहीं आता, कोई हमारी बात नहीं मानता, कोई हमसे मदद करने को तैयार नहीं। फैक्ट्री कहीं लगाते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर जमीन अपनी 7,500 करोड़ रुपए हम उसमें लगाने को जा रहे हैं, तो जो बाहर से आ रहा है उसको पूरी फैक्ट्री हम क्यों दे रहे हैं? आज 25% हमारा हिस्सा है। मैं कह रही हूँ हमारा इतना सारा पैसा लगने के बाद तो पूरी फैक्ट्री राजस्थान की होनी चाहिए थी, जिसमें राजस्थान के लोगों को नौकरी देने का काम इन्होंने करना चाहिए था। बाहर के लोगों को आने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे लोगों को वहां लगा के काम कराने का काम करे, सबको मेहमान को दिया। परंतु ये तो आपका ये भी एक पॉइंट है कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि बठिंडा और आपके बड़ौदा जो वो रिफाइनरी लगी तो दिल्ली की सरकार ने पैसे दिए, यहाँ रिफाइनरी लगी तो एक कौड़ी भी पैसा वहां से नहीं आया। और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों राजस्थान की सरकार के साथ सोतेना व्यवहार, क्यों राजस्थान की सरकार को ये काम करना पड़ रहा है, क्यों राजस्थान की सरकार ये कर रही है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये खाली जमीन का धंधा चल रहा है कि क्या चल रहा है, और ये कब रुकेगा? ये बुनियादी बात है। कहा था कहा नहीं, नहीं मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये धंधा करते करते कहां तक पहुंची है, ये आप लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम। अनेक गांव के अंदर मैंने पता किया तो स्वास्थ्य केंद्र बंद है, डॉक्टर नहीं है। जहां आप लोगों के करीबन 48 डॉक्टर के सांच है वहां 18 डॉक्टर मुश्किल से है, नर्सेस है ही नहीं। जहां पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए वहां 120 में से खाली साथ है। तो जब डॉक्टर नहीं है तो कहां जाता है आदमी? और मुफ्त दवाई आपको कहां से मिल रही है ये मैं पूछना चाहूंगी। कल मुफ्त जांच हुई किसी की? मुफ्त जांच हो रही है, मुफ्त दवाई मिल रही है? किसी को 1 किलो के हिसाब से गेहूं मिल रहा है? किसी को मकान के लिए 55,000 रुपए मिल रहे हैं? बीकानेर के अंदर पहला किश्त मिला, उसने जाके अपना मकान तोड़ दिया और वो दूसरे किश्त के लिए गया, तब तक बरसात आ गई, दूसरा किश्त नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, वो किराए के मकान में बेचारा रह रहा है। आज ये स्थिति है, ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। मैं आज ये देख रही थी क्या क्या वादे किए थे सरकार ने, और
करके दिए। तो मैं तो आप लोगों से पूछूंगी, सबसे पहले मुझे ये बताइए, बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी ये सरकार ने घोषणा की, आप सबको मालूम है कि बिजली की दरें बढ़ी, 3 दफा तो घर की बढ़ी है, 5 दफा तो उम्र बढ़ी, 53% बिजली की बढ़ोतरी हुई है। और VCR का आप लोग सबको मालूम है कि कितने लोगों को परेशान किया है VCR से, कराया कि नहीं कराया। और अगर क्योंकि केस फाइल हो गया तो नियामक आयोग की ओर से ये कहा गया, जो मैंने कहा था कि बदमाश लोग जो है जो इस तरीके से VCR भर रहे हैं उनको दंडित किया जाएगा और सरकार अपनी आएगी तो ये पैसा वापस किया जाएगा। तो नियामक आयोग ने अभी ऐसा काम देना करना शुरू किया है, मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा काम अपना हो गया है। 24 घंटे घरेलू बिजली देंगे, दिया किसी को? किसी को नहीं दिया। किसानों को 8 घंटे सस्ती दरों पर निरंतर बिजली मिलेगी, मिल रहा है किसी को? ये बताओ आप लोगों को मुआवजा मिल रहा है? पाला पड़ा था आपके यहाँ, पाला पड़ा था फसल बिगड़ी और आपने उसके लिए किसी ने मुआवजा दिया? आपने लिखित में दिया था? पटवारी और ये सब गिरदावरी वगैरह सब हुई आपकी और उसके बाद भी आपसे मुआवजा नहीं मिला? जयपुर के अंदर हमने पता किया तो बताया कि हमने तो मुआवजा बड़ा पैकेज सुंदर सा बना के इन लोगों को सबको दे दिया है, किसी को नहीं मिला। फसल बीमा मिली? किसी को नहीं मिला। ये सब तो आप अगर पढ़ोगे उनकी बातें तो वो तो सब आपको दे रहे हैं, परंतु इनमें से कोई काम हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं पूछती हूँ, इन्होंने ये भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को हम वेस्ट लैंड की जमीन देंगे, मिला किसी को? यही मेरे को रोज रोज कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ जमीन नहीं मिली और ये लिख रहे हैं कि हम लोगों ने इनको जमीन दी है, किसी को जमीन नहीं दी है। घोषणा पात्र ने ये कहा है कि 5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, कोई किसी को मिली यहाँ? किसी को नौकरी मिली? राजस्थान के 5 साल जब हमारे थे तो उसमें 10 लाख लोगों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी हमने दी थी। और यहाँ ये टेट का मामला आप लोगों को फंसा के किसी को नौकरी देने का कोई काम अभी तक नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगी तो ये सब लोग पुलिंदा है झूठ का। 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली और टेट के द्वारा लोगों को फंसाने की कोशिश की। और मैं आप सबको कह रही हूँ कि टेट के द्वारा देश है जहां लोग आते हैं पर्यटक के रूप में इतिहास को देखने के लिए, आते हैं जमीन को भूमि को छू के अपने माथे पर लगाने के लिए। ये राजस्थान के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, ये लोग ऐसे हैं जो भूखे मर जाएंगे परंतु अपने इज्जत और अपने स्वाभिमान के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। और आज जब हमारे स्वाभिमान के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जब लोग इस तरीके से हमारी बात करते हैं, जब आज देखो जाएंगे।
और व्यवसायी आके या फैक्ट्री लगाएंगे तो राजस्थान एक सुनहरा राजस्थान बनेगा। क्या हिम्मत है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए? जिन लोगों ने कांग्रेस सरकार में राजस्थान को पीछा करने की कोशिश की है, उनको अलग करने की कोशिश की है, ऐसे कांग्रेस सरकार को क्या उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है? जो हमारी महिला की इज्जत को नहीं संभाल सकते, जो हमारी बहू और बिटिया की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हैं, ऐसे परिवार के मुखिया को तो चुन्नू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिन लोगों को, जिन बच्चों को वादा करके वादा खिलाफी उनको टांगने देंगे और इतने सारे लोगों को सड़क पे लाकर रखा है, क्या ऐसे सरकार को फिर से वापस लाना चाहिए? और किसान इतने जोरदार महंगाई, उस महंगाई के अंदर माताएं बहने परिवार पूरा राजस्थान त्रस्त हो गया है। आप देख लीजिए डीजल पेट्रोल के भाव कहां से कहां पहुंच गए हैं। आपको मैं पूछती हूँ, आपके गैस के सिलेंडर की हालत देख लो क्या हो रही है। अटल जी को याद करना, उस सरकार के अंदर जितने भी चाहिए 260 रुपए में आपको मिलते थे, आज मुश्किल से 7 मिल जाते हैं। उसके बाद कितने भी कोशिश करो 1000, 1200, 1500 में मिलेगा। और ये आप लोग सब जानते हो, पेट्रोल 2 रुपए महंगा और अभी अभी 50 पैसे डीजल। और हमें ये बताया गया है कि निर्णय हुआ है कि हर महीने चुपचाप से 50-50 पैसे अपन बढ़ाते जाएंगे तो उन लोगों को किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि मालूम पड़ेगा, सबको पड़ेगा। और ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, काम नहीं करते और आखिरी में आते सब लोगों को सौगाते बात के उनके वोट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्या उन लोगों को उस कुर्सी पे बैठने के लिए मौका देना चाहिए? अब आपके पास आए साइकिल चाहिए, पैसे दे जाओ, चावल चाहिए, पैसे ले जाओ, लैपटॉप चाहिए, पैसे ले जाओ, अरे साड़ी चाहिए, महानरेगा वाली जिन्होंने काम किया था चाहिए, अरे पैसे ले जाओ। और बच्चे भी है तुम्हारे आंगनबाड़ी के अंदर तो कुर्ता पजामा भी ले जाओ, और चाहिए तो थाली दो कटोरी भी ले जाओ, तो पूरा घर ही बता दो पर बहुत दे दो। इतना ही करना, 4.5 साल में आप लोगों के गर्दन को मसक के रख दो और आप ही मेरे पास महीने आके ये कह दो कि आ जाओ बोलो सब लोग, आप चिंता मत करो, हमें वोट दे दो और देख लेना एक सुनहरा राजस्थान बना के रखेंगे। रोज रोज 400-500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, कोई अखबार में जाता है आज, और वो भी अगर सही होता तो मैं कहती कि कोई मुसीबत नहीं है, परंतु उपलब्धि और घोषणा के बीच में फर्क होता है भाइयों। ये मेरी उपलब्धि है जब मैं कहती हूँ तो माता कहे मैंने आपको 18-20 घंटे घरेलू बिजली दी, वो मेरी उपलब्धि है। और अगर मैं ये कहती हूँ आपको कि मैं 24 घंटे बिजली आने वाले सरकार के टाइम पर दूंगी तो ये मेरी घोषणा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोज रोज अखबार के अंदर उपलब्धि नहीं आपको घोषणा में उपलब्धि, और उनको उठा के देख लो आपको एक मुफ्त दवाई मिल रही है, मुफ्त जांच हो रहा है, मिल रहा है सब लोग तो नहीं झुंझुनू में थी तो पोस्ट कार्ड निकला कि खेल की यूनिवर्सिटी हमने बना दी। हम लोग सबने ढूंढा कहा है ये यूनिवर्सिटी, कोई तो बताए, ना जमीन मिल गई है ना कोई बिल्डिंग बनाई गई है, बस घोषणा कर दी। इस तरीके से आपने कह दिया बीकानेर के अंदर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अरे बना दी, कहा है टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कहा पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कहा है पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। अरे रोज रोज अगर घोषणा करने की बात है तो मैं यहाँ खड़े होकर 15 घोषणा अभी करके चली जाऊंगी, ये जरूरी नहीं है कि वो उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि देते रहो घोषणा, परंतु जब तक वो उपलब्धि नहीं है वो सरकार उस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, सरकार इस हाथ के द्वारा, इस हाथ के द्वारा कहते ना ये हाथ है आम आदमी के साथ, जरा डर के उससे दूर रहना, क्योंकि हाथ तो ऐसा खतरनाक चीज है, ये तो सबसे पहले तो गला दबोचता है, उसके बाद महिलाओं को परेशान करता है, और उसके बाद आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जेब काट रहा था और है और रहेगा, ये तो वो हाथ है
निर्णय देना है कि इस हाथ से मैं अपने को दूर रहना है और सब लोगों को मिलकर इस हाथ को और इस हाथ के साथ वाले जो लोग हैं उनको सबको उस कुर्सी से दूर करना है ताकि हमारी जनता को जो 53 साल से न्याय नहीं मिला है वो 53 साल वाले न्याय हमको मिले। मैं आपको ये कह दूं कि अगर 15 साल में नरेंद्र मोदी ने चमन बना दिया और 10 साल में आपको मध्य प्रदेश में चमन हो गया तो राजस्थान को अगर 53 साल हम लोगों को मिल जाता तो चमन हो जाता है, चमन हो जाता। मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरीके से लोगों को बिल्कुल गर्त में डाल के कैसे रखते हैं। इसीलिए भाई और बहनों बहुत हो गया, बहुत हो गया और चुनाव आ रहा है, बहुत अच्छा वक्त आ रहा है हमारा। मैं कह रही हूँ सबको सब मजहब सब जात एक परिवार के रूप में मिलकर चलेंगे और हम तय करेंगे कि एक ऐसा सुंदर राजस्थान बनाए जो राजस्थान बिल्कुल सबसे ऊपर। ऐसे नहीं किसी के पीछे पीछे किसी के हाथ में लाए हुए, किसी के पीछे नहीं। राजस्थान जिस तरीके से पहले इतिहास में हुआ करता था उसी तरीके से फिर से ऊपर जाएगा और उसको करने वाले खाली ये लोग नहीं हम तो ये सब जो मेरे सामने बैठे हो वो सब मिलकर करेंगे तो है तैयारी आपको आके बढ़ाएंगे। आप लोगों को गांव के अंदर केस डालेंगे, देखा है मैंने। अभी मैं निकल के आ रही थी सीकर में तो कई लोगों ने आके कहा कि हमने पंचायत चुनाव के अंदर कहा था हम सबको बंद, 84 वर्ष का व्यक्ति ऐसे लोगों को बंद करके रखा हुआ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मेरे पास आए कुछ लोग और उन्होंने कहा कि हमारे गांव के अंदर मर्डर हो गया, इस मर्डर के लिए आप सीबीआई को दे दीजिए। मैंने उनको कहा भाई आप क्यों कहते हैं सीबीआई का नाम, सीबीआई आपके लिए नहीं है, सीबीआई बोले आप जी के लिए, सीबीआई हमारे लिए, सीबीआई जसवंत सिंह साहब के लिए, मंच पर बैठे हुए सब बड़े बड़े लोग तुमके लिए, आप लोगों के लिए थोड़ी है, ये कोई काम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आएंगे परेशान करेंगे डराएंगे धमकाएंगे तो हिम्मत है, हिम्मत है। तो याद रखो कि अभी भी अपने बहुत सारे काम अपने को कंप्लीट करने हैं, अपने को क्षेत्र के अंदर पानी लाना है, गांव के अंदर पानी लाना है, अपने को बिजली का इंतजाम करना है, अपने को सड़क जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर हो गई है अंदर की सड़कें उनको फिर से ठीक कर रहा है, हमको बच्चों को रोजगार का इंतजाम कराना है, हमको अपनी महिलाओं को उनकी इज्जत वापस लौटानी है और हमको डॉक्टर और टीचर का इंतजाम करना है ताकि हमारी अगली पीढ़ी ऐसी हो मजबूत हो जो हमारे राजस्थान को ऊपर ही होकर ले जाएगी। अभी मैं पता कर रही थी तो एक चीज और मैं कहते जाऊंगी कि शिक्षा का स्तर तो गिर ही रहा है, तो आपको नगर पालिका के अंदर सब मुख्य सड़कें 3 साल से बिखरी पड़ी है, क्या ये सही है? सीमावर्ती गांव गाड़ियों को सड़क से जोड़ने की दिशा में कोई नया काम नहीं हुआ है। जैसे मेरे से सम मार्ग पर इतने सारे पर्यटक आते हैं और इतनी सारी आवाज आ रही है पर इनकी सड़क बहुत ही पतली है, उसको डबल करने के लिए आप लोग सबने कहा है क्योंकि हादसे होते हैं परंतु अभी तक किसी ने उसकी तरफ आंख नहीं उठाई है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो काम अपन बैठ के करेंगे, सरकार अपनी आगे तो अपन काम करेंगे। जैसलमेर में नहरी भूमि आवंटन के लिए 7,000 और बारानी भूमि आवंटन के लिए 27,000 आवेदन अभी भी निलंबित है। हम लोगों ने वो काम चालू करवाया था, ये आए जैसे इनकी सरकार आई उन्हें सब कुछ बंद कर दिया। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ अपनी सरकार आएगी तो ये काम फिर से चालू हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ तो तैयार हो जाओ भैया, आपके को लड़ाई लड़नी है, 4 महीने गठन बांध लो और तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ कि राजस्थान को छुटकारा अपने को देना है, परिवर्तन अपने को करना है और एक जोड़ा नाम मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का आप दे दे, भारतीय जनता पार्टी गूंजता हुआ नारा किस कोने से लेके जयपुर तक पहुंचे से बैंक तो जाए थोड़ा काम तो जाए आप चिंता तो करो जोर से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हरे राजस्थान का नारा जय जय राजस्थान, अरे नहीं जी जय जय राजस्थान। आप लोग सब इस चीज को करने के लिए साथ मिलकर चले, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी माता बहनों को, युवा मोर्चा आप लोगों को।